हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक अ न्यू मॉर्निंग वीडियो। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये है आपके ट्रांसपेरेंट बटन के ऊपर। अब आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के गेम प्ले के अंदर ट्रांसपेरेंट बटन्स को देखा होगा, या फिर उनके बटन्स को बिल्कुल ही गायब होते हुए देखा होगा, और आपको लगता है कि लाइक ये जो गेम प्ले है ये पीसी में रन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वही फ्रंट में शो नहीं हो रहे। होता ये कि बेसिकली जो कंट्रोल्स होते हैं उनको वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, या तो या फिर वो क्या करते हैं कम्प्लीटली लाइक पूरा का पूरा जो ओपेसिटी है उनकी पूरी की पूरी कम कर देते, पूरी ज़ीरो कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है पीसी का व्यूज में आने लगता है, और वो चलता है जबकि एंड्रॉयड के अंदर है। तो मैं जो आपको आज के वीडियो में ट्रांसपेरेंट बटन आपको देने वाला हूँ, ये जो है आपके इन गेम जो आपके कंट्रोल्स रहेंगे उनकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, पूरा कम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कोई मिशन करते हो या फिर अगर आप गेम खेलते हो नॉर्मली, तो बटन इधर उधर प्रेस करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए जो है मैंने कुछ ऐसे बटन्स प्रोवाइड किए जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बटन माने जाते हैं, जो मेनली सब यूज़ करते हैं, और ये जो है सबसे बेस्ट भी है। यानी कि ये जो बटन्स अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपको लगेगा भी नहीं कि लाइक कोई बटन से स्क्रीन पे जो बहुत ज़्यादा ओपेसिटी के साथ में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आपको मतलब जो कहने का मतलब ये कि आपको जो बटन्स रहेंगे ना वो एकदम लाइट वेट रहेंगे आपके लिए, और बिल्कुल लाइट वेट वाली जो है फीलिंग आने वाली है, ठीक है? जिन लोगों को मैं अगेन बता दूं, जिन लोगों को अगर नहीं पता कि क्या कौन सी वीडियो होने वाली है, कौन सा मोड देने वाला हूं, तो आज की वीडियो में आपको जो ट्रांसपेरेंट ये वाला जो बटन्स दिख रहे हैं आपको मेरी स्क्रीन पे, जिनसे मैं ड्राइव कर रहा हूं, जिनसे मैं इधर लेफ्ट राइट जा रहा हूं, तो ये जो बटन्स है आपको देने वाला हूं, किस तरीके से इन बटन्स को जो है आप अपने GTA San Andreas एंड्रॉयड के अंदर जो है ऐड कर सकते हो, तो वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप चाहते हो ये वीडियो देख करके अगर इस मोड को इंस्टॉल करना, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया है आपको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर बात आती है डाउनलोड की, तो डाउनलोड का जो प्रोसेस है गाइज वो आप सभी को पता है डाउनलोड का क्या प्रोसेस है। डाउनलोड लिंक जो मैन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो नाउ एंड जस्ट डाउनलोड द फाइल गिवन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? जस्ट आपको जाना है एंड डिस्क्रिप्शन में जाके फाइल को डाउनलोड कर लेना है, एंड दैट्स इट, इतना ही करना है। और एक बात, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने चैनल चेकआउट नहीं किया, तो करो, ये एक वीडियो मत देखो, चैनल खोलो, बहुत सारी वीडियो देखो, और फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपका इंटरेस्ट है GTA San Andreas के मोड्स में, या फिर एंड्रॉयड के अंदर हाई ग्राफिक गेम को प्ले करवाना चाहते हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। सब्सक्राइब करो, चैनल ओपन करो, सारी वीडियोज़ को विजिट करो, अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी लगे, थंबनेल अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मोटिवेशन दो यार, ये चीज़ करना मत भूलना। तो गाइस इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं, छोटा सा इंस्टॉलेशन रहेगा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन। सी, आपको यहाँ पे फाइल डाउनलोड करनी है ट्रांसपेरेंट बटन नाम की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगेन मैं बोल रहा हूँ जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है? बट हाँ, बिफोर आप ये इंस्टॉलेशन देख लो, फाइल को एक्सेप्ट करो, फोल्डर मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट बटन के नाम से, ओपन करो, com.rockstargame.gta.se का फोल्डर यहाँ पे कट कर दो, उसके बाद में डिवाइस मेमोरी एंड्रॉइड देन डेटा एंड देन पेस्ट है गाइस, सिंपल से पेस्ट कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना है गाइस। मैं एक और बात बता दूं कि जितने भी मैं मोड्स प्रोवाइड करता हूं उनका जो इंस्टॉलेशन रहता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है, यानी कि मैक्सिमम केसेस में आपको जो है ओनली कॉपी पेस्ट करना रहता है। तो ये सबसे अच्छी खासियत हो जाती है कि लाइक अगर आपको कोई यूट्यूबर है मोड्स दे रहा है, तो एकदम आपको कॉपी पेस्ट करना हो जाता है, तो ईजी हो जाता है इंस्टॉलेशन के वक्त, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि यार ये यूट्यूबर ऐसा दिखा रहा है, ये यूट्यूबर ये टूल का यूज़ कर रहा है, या फिर ये यूट्यूबर मोड देते वक्त रीनेम करवा रहा है बहुत ज़्यादा। एंड तो यार ये जो चीज़ें होती है ना, ये मैं लाइक बहुत ही कम करता हूँ, हालांकि कुछ कुछ मोड पैक में ये होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा अपने सब्सक्राइबर को मोड देते वक्त कि मैं उस मोड पैक को इस तरीके से डिज़ाइन करके दूँ से कि उसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना है, डाउनलोड वो ईजी कर लेगा, लेकिन उसके बाद में इंस्टॉल करने में दिक्कत ना आए, उसका गेम क्रैश ना करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस एक और बात, आपको एक और सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ मेनली, जो कि फ्री है बिल्कुल, वो ये है कि आपको अगर आपका मोड पैक क्रैश करता है, मेरा दिया हुआ कोई भी मोड पैक आप मेरे चैनल से डाउनलोड करते हो, देन वो क्रैश करता है, या फिर बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, या फिर आपको कोई और इशू आ रहा है, पासवर्ड का इशू आ रहा है, पासवर्ड जो है आप डाल रहे हो लेकिन उसके बाद भी एरर दिखा रहा है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो वहाँ से, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम मेरा विजिट करो एक बार, तो वहाँ पे आप जाकर के जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप ही के तरह मेरे को काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उनकी
प्रॉब्लम थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली डाउनलोड कैसे करें, तो उनको जो है मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया एंड अच्छे से समझाया कि ऐसा ऐसा होगा, तो उन्होंने डाउनलोड किया। एंड एक बहुत सारे और भी बंदे थे जो कि कह रहे थे कि मेरा गेम क्रैश कर रहा है, मेरा मोड क्रैश कर रहा है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को रीनेम करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उनका रीनेम करने वाला भी जो इशू था उनको भी फिक्स करवाया। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम जो भी इश्यूज होते हैं जितने भी सब्सक्राइबर डाउनलोड करते हैं मेरे दिए हुए लिंक से मोड्स को, तो अगर वो बाद में नहीं चलते तो बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड करते हैं, देन मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो आपको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो यार, और मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। एंड अगर वहाँ पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप चले आ जाओ मेरे कमेंट पे, वहाँ पे मुझे बोल दो कि मेरा मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, वहाँ से जा करके मैं जो है आपको जो है मैसेज का जो रिप्लाई आपको एंड टू एंड दे दूंगा, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, आज के वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे मोड के साथ, और आपका क्या सजेशन है मेरे को कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय।